हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी, ये वाली जो वीडियो है ना, ये है वीरवार की, और शाम के टाइम से जो वीडियो है वो शुरू हो रही है। तो शाम के बज गए हैं 4:20 हो रहे हैं, मैं आपको वो देखिए 4:20 हो गए हैं। मयंक चला गया है ट्यूशन और आरू को मैं अभी पढ़ने बिठाऊँगी। तो इससे पहले मैं ना सुबह 8:30 की लगी हुई थी, इतना काम था, मतलब जो दिवाली की जो सफाइयाँ होती हैं ना वो चल रही हैं। तो एक दिन पहले मैंने स्टोर रूम वगैरह जो है ना वो साफ़ किया था, और अभी आज मैंने किया है जो भी खिड़कियाँ दरवाजे होते हैं ना उन सब के ऊपर जो भी धूल मिट्टी होती है उसको मैंने झाड़ा था। साथ ही मैंने जाले वगैरह जो लगे होते हैं वो जाले मैंने निकाले थे। तो मतलब पूरा दिन लग गया है, पूरा दिन हो गया मुझे लगे लगे। अभी मैं नहाई हूँ, बाल भी मैंने धोने नहीं थे आज, वैसे तो वीरवार है, लेकिन ये है कि धूल मिट्टी में काफ़ी गंदे से हो गए थे तो फिर मैंने धोए हैं अभी गीले गीले से। ये अभी बस थोड़ी देर हुई है मेरे को नहाए हुए, तो अभी फ्री हुई हूँ और इतनी थकावट हो गई, मन तो कर रहा है कि बस सो जाऊँ, लेकिन आरू को भी पढ़ाना है, इसका होमवर्क वगैरह करवाना है ना, तो अभी सो तो सकती नहीं हूँ। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि सारे जो भी पर्दे वगैरह थे वो मैंने हटा दिए हैं, उनको मैंने धो दिया है अभी, बस वो भी सूख ही गए हैं, कुछ एक तो सूख गए हैं, कुछ एक जो है वो सूख जाएंगे, और उन सबको ना मैं फोल्ड करके फिर आज ही भिजवाऊँगी प्रेस करने के लिए, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि रात को ही मैं उनको लगा दूँ, क्योंकि आजकल के दिनों में भी ना काफ़ी धूल मिट्टी सी आती है, तो फिर वो भी लग जाएंगे ना, तो यह इतनी धूल मिट्टी जो है ना वो अंदर नहीं आती, पर्दों से काफ़ी राहत रहती है बालकनी वाले रूम में। तो चलिए कर लेती हूँ मैं पर्दों को फोल्ड, और कुछ कपड़े भी पड़े उनको भी फोल्ड करूँगी, साथ ही आरू को भी पढ़ाऊँगी, कर लेती हूँ मैं ये काम, फिर थोड़ी देर में ही मिलती हूँ आपसे। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि उससे एक दिन पहले ना, मतलब आज से एक दिन पहले मैंने स्टोर रूम को साफ़ किया था। तो देखिए ये सारा मतलब सामान से ना भरा पड़ा था, कितना तो कबाड़ा निकाला है, मतलब वही की जो चीज़ें यूज़ में नहीं आती हैं, ठीक हैं वो चीज़ें लेकिन यूज़ में नहीं आ रही है, वो सारी मैंने निकाल दी हैं और अब बिल्कुल खाली इसको कर दिया। अभी अच्छे से मैंने सामान जो भी था उसको अरेंज करके रखा नहीं है, वो मैं रखूँगी, अभी रखूँगी, कल तक रखूँगी, एक दो दिन में रखूँगी, क्योंकि सफाइयाँ तो चल ही रही है, अभी दिवाली तक तो सफाइयाँ ना चलेंगी। और अभी देखिए बाथरूम भी पूरा भरा पड़ा है, ये 4 बजे का टाइम है, मैं आपको दिखा रही हूँ, मतलब अभी भी काम जो है ना हद से ज़्यादा पड़े हैं। ये जो मेन काम थे साफ़ सफाई के वो मैंने कर ली, ताकि वो चलने फिरने के लिए सही हो जाए, और जो खिड़कियां दरवाजे की धूल मिट्टी थी सारी मैंने झाड़ दी है। अब बाथरूम में जाऊंगी, बाथरूम में काफ़ी काम पड़ा है, कुछ एक काम जो है वो किचन में भी पड़ा है, जैसे कि बच्चों के लिए खाना वगैरह जो भी मैंने बनाया था उसके बर्तन वगैरह पड़े हैं, तो बहुत सारा कामना भी पड़ा है मुझे, सुबह से लेकर शाम हो गई है, पता ही नहीं चला टाइम का। हालांकि मैंने आज सोच रखा था कि आज मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगी, क्योंकि आज मेरे को बस ये थोड़े बहुत जो भी जाले वगैरह जो भी थे ना वो उतारने हैं, और खिड़कियां दरवाजों की जो भी डस्ट वगैरह होगी वो झाड़नी है मेरे को, लेकिन आज मेरा ज़्यादा ही टाइम लगा था, जबकि मैंने सोचा था कि आज मैं जल्दी फ्री होने वाली हूँ। और स्टोर रूम में जब साफ़ कर रही थी ना, तब मैं सोच रही थी कि मुझे पूरा दिन लग जाएगा स्टोर रूम में, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही, स्टोर रूम से मैं जल्दी फ्री हो गई थी और आज के काम से पूरा दिन लग गया है। अब देखिए जो भी पर्दे वगैरह मैंने धोए थे वो सूखे हैं सारे, उनको मैंने फोल्ड करके रख लिया है, और अब टाइम हो रहा था 5:30-6 बजे के लगभग का, और हस्बैंड भी आ गए थे, उनके लिए मैंने रख दी है चाय, साथ ही वो लेके आए थे सब्जियाँ वगैरह, तो उनको भी मैं सब्जियों को रख रही हूँ, और ये मेथी वगैरह लेके आए, तो मेथी ना पहले की भी पड़ी थी मेरे पास, तो बस फिर मैं सोच रही थी कि क्यों ना हाथ के हाथ इसको भी साफ़ करके रख ही लेती हूँ, और अभी मैं इसलिए भी साफ़ कर रही थी क्योंकि अब मेथी में ना काफ़ी ज़्यादा मिट्टी मिट्टी सी रहती है, तो ऐसे इसको फ्रिज में रखना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अभी बस इसको थोड़ा सा मैं छांट लूँगी ना, मतलब इसकी जड़ें सी जो है ना वो अलग से कर दूँगी, तो ये रहेगा कि थोड़ा झाड़ के मैं रख दूँगी, अभी धोऊँगी तो नहीं, धो के तो फिर मतलब बनानी ही पड़ती है क्योंकि धोने के बाद तो ख़राब ही हो जाएगी, तो इसको मैंने अच्छे से साफ़ करके रख लिया, अभी उसी ही पॉलीथीन में डाल के ना इसको मैं रख लूँगी, अभी ये सूखेगी नहीं, और ये है कि मिट्टी भी जो है ना वो फ्रिज में नहीं जाएगी, इसलिए मैंने इसको साफ़ कर लिया है। और अभी आ गई थी देखिए मैं जो पर्दे वगैरह जो मैंने फोल्ड करके रखे हैं ना उनको मैं भिजवा रही हूँ प्रेस करने के लिए,
तो मैंने ले ली थी अपनी एक चुन्नी, और उन जो भी ये पर्दे हैं ना, इन सबको मैंने चुन्नी में बांध दिया था। मैं प्रेस के लिए भिजवा रही थी इनसे, क्योंकि अभी घर में मैं प्रेस करने लगूंगी ना, तो बहुत सारे हैं और मेरे से हो भी नहीं पाएंगे। और दूसरी बात ये कि थोड़ा दबा के इसमें प्रेस करनी पड़ती है, तो हमारी जो प्रेस है वो इतनी भारी है नहीं, जैसे कि धोबी के पास होती है ना प्रेस, प्रेस करने वालों के पास, उनके पास दूसरी प्रेस होती है भारी वाली, तो उसे काफ़ी अच्छी प्रेस हो जाती है पर्दों में। इसलिए फिर मैं इनको बोल रही थी कि आप ना बाहर से ही प्रेस करवा लो, क्योंकि अभी मेरे बस की भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम जो है ना अभी भी पड़ा है। जो पौड़ियाँ वगैरह है वो साफ़ करूँगी, मैं अभी सोच रही हूँ कि अगले दिन के लिए मैं पौड़ियाँ साफ़ करूँ, और उसके बाद फिर किचन की तो वैसे ही सफाई सारी पड़ी है। हालांकि ज़्यादा काम किचन में है नहीं, लेकिन फिर भी वही है ना, दिवाली है तो फिर साफ़ सफाई तो करनी ही है। और जब करने लगेंगे ना तो कूड़ा पता नहीं कहाँ से ही आ जाता है, कहाँ से निकल आता है। तो बस फिर मैं एक दिन किचन के लिए दूंगी, और एक दिन मैं सीढ़ियाँ वगैरह साफ़ करूंगी वहाँ पे जो है ना वो दूंगी, और फिर वही है पर्दे वगैरह आ जाएंगे तो उनको लगाना। तो काफ़ी सारा काम जो है ना दिवाली तक चला ही रहता है, दिवाली की सफाइयाँ तो आपको पता ही है। तो रात के खाने में मैंने बना ली थी जो लाल वाली मलका मसूर की दाल होती है ना वो, और साथ ही मैंने चढ़ा दिए हैं चावल भी। और अब मैं लगी हूँ सुबह की तैयारी करने, तो सुबह के लिए मेरे को बनानी है भिंडी की सब्जी। तो इनको अगर अभी ही मैं रात को धो के रख लूँ ना तो फिर सही रहता है, सुबह इनको पोंछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि जब हमें बनानी उसी टाइम हम धोते हैं तो इनको पोंछना पड़ता है पानी को अच्छे से। तो रात को धो के अगर मैं इस जाले वाले बर्तन में रख दूँ ना तो फिर अच्छे से निचड़ जाती हैं, सूख जाती हैं। तो सुबह उठ के बस इनको कट करो और डालो कढ़ाई में, तो ये सुबह के लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, बस और कुछ नहीं। और अभी देखिए खाना भी बन ही गया है, मैं कट कर रही हूँ थोड़ा सा धनिया दाल में डालने के लिए। तो ये रही दाल, और साथ ही बस चावल भी बन ही गए हैं। बस 5-7 मिनट में ये विसल वगैरह निकल जाएगी ना, उसके बाद खा लेंगे हम खाना। तो चलिए इतने खाएंगे खाना, इतने मैं जो कपड़े थे आज धोए थे उनको भी मैं फोल्ड करके रख लूँगी, क्योंकि जब पर्दे वगैरह मैंने फोल्ड किए थे ना तो इन कपड़ों को मैंने हाथ भी नहीं लगाया था, इनको मैंने वैसे ही रहने दिया था, क्योंकि पर्दे तो मुझे भिजवाने थे प्रेस करने के लिए। तो फिर मैं बाकी काम करने लग गई थी और सोचा कि ये जो कपड़े वगैरह पड़े हैं ना इनको बाद में मैं फोल्ड करूँगी। आजकल इन दिनों में इतने सारे कपड़े हो रहे हैं ना, कुछ कपड़े जो मतलब ये रहता है ना कि दरवाजे के पीछे कुछ कपड़े हमारे टंगे रहते हैं, जैसे कि मेरी चुन्नियाँ हो गई, वो मैं बहुत कम धोती हूँ। जैसे नए नए सूट होते हैं तो उनको मैं धो देती हूँ, लेकिन उनके जो दुपट्टे होते हैं ना उनको मैं नहीं धोती हूँ, कलर वगैरह भी जाता है और दुपट्टे इतने गंदे तो होते नहीं हैं, तो मैं कम ही धोती हूँ उनको। मतलब 3-4 बार जब सूट डाल लेती हूँ ना उसके बाद ही फिर मैं दुपट्टा धोती हूँ। तो अभी मैंने इन कपड़ों को भी फोल्ड कर लिया है, और अभी आया था मेरी फ्रेंड का वीडियो कॉल, तो उसको मैं दिखा रही थी कि देख मैंने कितना सारा काम जो है ना वो दिन में किया है, क्योंकि सबको ये लगा रहता है ना फ़ोन नहीं करती है, फ़ोन उठाती भी नहीं है, कहाँ थी कहाँ नहीं। तो फिर मैं उसको दिखा रही थी वैसे मजाक में कि ये सब मैंने किया है काम, इसलिए मैं फ़ोन नहीं कर पाई थी। और अभी मैं आपसे मिल रही हूँ खाना वगैरह खाने के बाद, यानी कि डिनर करने के बाद। और अभी किचन के बर्तन वगैरह जो है ना वो मैं धो रही हूँ, इसके बाद बच्चों के लिए बस वही है दूध वगैरह मैं बनाऊँगी, और इसी के साथ करूँगी अपनी इस वाली वीडियो का भी एंड गाइस। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और चलिए मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।